यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 महीने के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत शहरों का सौंदर्यकरण, गांव का विकास और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ 324 जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,800 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट आम, लीची, नींबू व किन्नू जैसी फसलों के लिए है और मददगार भी साबित होने वाली है, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में 54 ब्लॉकों पर इस पर कार्य जरूर होगा। हम इन 5 महीने के कार्यकाल में हॉर्टिकल्चर में 1,688 करोड़ रुपए का और उसके साथ साथ में टूरिज्म में 1,892 करोड़ रुपए का और उसके साथ साथ में हमारा वाटर सप्लाई में 798 करोड़ रुपए का और कुल मिलाकर के 4,378 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति जो है हमारी केंद्र से जो है ADB के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिलनी तय हो गई।